तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पढ़ो परदेश स्कीम के बारे में। ठीक है, पढ़ने के पीछे कारण क्या है कि अब इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 2022-23 में, तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए स्कीम के बारे में। देखिए, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2013-2014 में, नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है। ठीक है, बेसिक एम क्या था, देखिए कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का स्टूडेंट जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है, जब वो लोन लेके फॉरेन पढ़ने जाता है ना, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट होता है ना, वो इंटरेस्ट इस स्कीम के जरिए गवर्नमेंट जो है उस इंटरेस्ट पे सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, टू अवार्ड इंटरेस्ट सब्सिडी टू मेरिटोरियस स्टूडेंट बिलोंगिंग टू EWs ऑफ नोटिफाइड माइनॉरिटी कमिटी। टोटल कितने माइनॉरिटीज कम्युनिटी है हमारे देश में? टोटल 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज कमिटी है, सॉरी माइनॉरिटीज कम्युनिटी है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं टाइप की। सो टाइप जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, नोडल बैंक कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक इस स्कीम का नोडल बैंक है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं, बताइए प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज का नोडल बैंक कौन है? याद आ रहा है कुछ? यूनियन बैंक, याद आ गया, इसे बता दिया। ठीक है, चलिए बेनिफिशियरी की बात करते हैं। देखिए, बेनिफिशियरी जो भी इंडिविजुअल है वो उसके पास सिक्योर एडमिशन उसने ले लिया हो किसी यूनिवर्सिटी में जो कि अब्रॉड में हो, फॉर परस्यू या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए हो लिया हो, या फिर मास्टर के लिए, या फिर PhD के लिए, या फिर MPhil के लिए। अंडर ग्रेजुएशन की बात नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है? मास्टर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, MPhil या फिर PhD, और जो फैमिली इनकम है वो 6 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, 6 लाख से कम फैमिली इनकम होना चाहिए, और जो लोन जिस बैंक से लेगा ना वो बैंक इंडियन बैंक एसोसिएशन का मेंबर हो। ठीक है, कोई एरा गैरा बैंक नहीं आ जाएगा। ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन का मेंबर हो, उस बैंक से अगर लोन लिया तो गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट पे सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और एक बड़ी खास बात, 35% सीट जो है वो गर्ल के लिए रिजर्व है। ठीक है, रिजर्व थी, अब तो खैर स्कीम ही बंद हो गया। अब की फीचर की बात करते हैं। देखिए, जो इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जाएगा ना, वो कोर्स का जितना पीरियड है, 3 साल कोर्स है तो 3 साल तक प्लस प्लस 1 ईयर, या फिर अगर बंदे को जॉब मिल गया है तो उस जॉब मिलने के 6 महीने तक इंटरेस्ट सब्सिडी देगा। दोनों में से जो जल्दी हो, या तो कोर्स पीरियड पूरा होने का और 1 साल तक, कोर्स पीरियड के पूरा होने के 1 साल बाद तक इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट देगी, या फिर मान लो कोर्स पूरा हो गया है, बंदे को जॉब लग गई है और जॉब लगने के 6 महीने तक गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। दोनों में से जो जल्दी होगा, ठीक है, और इंटरेस्ट सब्सिडी पूरा 100% इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, और ये अवेलेबल ना सिर्फ एक बार होगा। या तो आप मास्टर के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी इस स्कीम को ले लो, या फिर PhD के लिए ले लो, या फिर MPhil के लिए लो, तीनों में से किसी एक बार ही आपको चूज़ करना होगा, तीनों के लिए नहीं चूज़ कर सकते। ठीक है, तो खैर अब तो ये स्कीम बंद हो गया, तो थोड़ा बहुत डिस्कस करना था, हमने डिस्कस लिया, बाकी इसका PDF मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगा। ठीक है फिर, ओके, थैंक यू।